एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोग के लिए जीके का सेक्शन लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं ये जीके आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है g=9.8 m/s². तो जैसा कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं अभी जीके का, और उसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन जो आता है आप लोग को इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आप लोग बताता हूं, और इस पर आधारित जितना क्वेश्चन है आप लोग जरूर घर में बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे आंसर। तो इसका आंसर बनेगा इस तरह से, पूछा है कि इसमें ऊर्जा कितनी है। तो इस तरह का प्रश्न में आपका एम दिया हुआ रहता है, जी दिया हुआ रहता है, एच दिया हुआ रहता है। इसके लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है एम जी एच, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। और एम जी एच इक्वल टू हो जाएगा, एम का मान था 12 kg, जी का मान 9.8 और एच का मान आपका दिया हुआ 5 मीटर। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 588 जूल, और ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए मैं एक बार से बोल देता हूँ कि जब आपको क्वेश्चन नहीं दिखे तो मैं बोलता हूँ उसको सुन करके आप नोट करके इस प्रकार जितना भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा घर में बनाते हुए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं वर्ग सरीसृप में। पहला ऑप्शन है बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, और शल्क के साथ शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ठीक है। आइए बढ़ते तीसरा क्वेश्चन की ओर। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? ऑप्शन है स्क्रेनकाइमा, शीर्ष विभज्योतक, पैरेन्काइमा और पार्श्व विभज्योतक। तो कल मैं बताया था कि स्क्रेनकाइमा, पैरेन्काइमा, सबके बारे में आप घर में बैठ करके जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष विभज्योतक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है, एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट होगी। तो कल भी मैं न्यूमेरिकल लाया था, आज भी मैं न्यूमेरिकल ला रहा हूँ, और हर दिन जब जरूरत पड़े इम्पॉर्टेंट वो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या बोल रहा है, प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा। तो प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा बराबर क्या होता है, शक्ति, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति गुना समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, शक्ति गुना समय, और वो होता है हमेशा किलोवाट घंटा, और एक किलोवाट घंटा ही एक यूनिट के बराबर होता है, इसीलिए याद रखना है किलोवाट घंटा में ला दीजिए तो वही यूनिट कहलाता है। तो यहाँ पे दिया 300 वाट, तो 300 वाट और एक 1000 वाट में होता है 1 किलोवाट, तो 1000 से भाग दे दिए और गुना 8 घंटा आपका दिया, तो देखिए किलोवाट घंटा हो गया कि नहीं। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 0.4 यूनिट, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2.4 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा ना आप घर में ट्राई मारिएगा, और उसके बावजूद भी नहीं बने तो आप हमको बता सकते हैं, मैं आप लोग का हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आइए बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ, कल मैं बोला था कि जितना भी मुद्रा है यानी करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर देश का करेंसी अगर आप लिख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोत्सवाना का ऑप्शन है पुला, ड्रामा, डॉलर, रियल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुला। तो अगर आप पढ़े हुए रहते और लिखे हुए रहते कल मेरी बात को मानते तो आज आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होता। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर किसने अध्ययन किया था? ऑप्शन ए स्टैनली एल मिलर, चार्ल्स डार्विन, JBS हाल्डेन, हेराल्ड सी यूरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन जो किया था, चार्ल्स डार्विन ने इसका अध्ययन किया था। आइए बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कभी टी पूछेगा, मतलब समय पूछेगा,
कभी आपका आवेश पूछ देगा, कभी आपका धारा पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा, विद्युत धारा। और क्यू का मतलब होता है आपका, देखिए क्यू का मतलब होता है आपका, क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है आवेश, आई का मतलब होता धारा, टी का मतलब समय। तो आई बराबर निकालना था, आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी, और क्यू का मान था 300 और टी का मान था 10, और चूंकि मिनट में था तो सेकंड में बदले तो 60 से गुना कर दिए। जब आता है सॉल्व करने पर 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आठवां नंबर, निम्नलिखित में कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन है ईस्ट, प्लेनेरिया, हाइड्रा और अमीबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना या हाथ से लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है एक और दो, एक दो तीन, केवल तीन या एक और चार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एवं चार। क्या आंसर हो जाएगा, मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, ये स्वैच्छिक मांसपेशियां इसमें क्रियान्वित होती है। दसवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, इनमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन को समझ के करना है। 11वां नंबर क्वेश्चन, डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि उत्तल दर्पण टिक करें या अवतल दर्पण। तो आज मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाता हूं, और उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक अपसारी दर्पण, तो ऑप्शन है समतल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगर अभिसारी दर्पण पूछता तो अवतल दर्पण हो जाता, नोट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। तो देख लीजिएगा कौन विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित है, कौन नहीं है, कौन ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित, कौन चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लीजिएगा एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए 13वां नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, केवलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था। ऑप्शन है 6, 4, 5 या इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 6, ऑप्शन नंबर ए। और विटेकर ने 5 भाग में बांटा था, तो ये भी ध्यान रखिए, कहीं विटेकर भी आ सकता है, और भी वैज्ञानिक का आप लोग लिख लीजिएगा खुद। आइए बढ़ते 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। ऑप्शन है फीताकृमि, राउंड वर्म, एस्केरिस या प्लेनेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 15वां नंबर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। फैराडे का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम। जैसा कि ऊपर में भी मैं बताया कि आप लोग देख लीजिएगा ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित, जो भी तापन प्रभाव पर आधारित जितना भी है वो सब देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल का नियम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और 250 हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, 25 हर्ट्ज। कैसे आंसर होगा, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं आवृत्ति बराबर होता है, यानी क्या होता है 1/T, और 1/T मतलब 1/0.04। तो जब सॉल्व कीजिएगा आपका हो जाएगा 25 हर्ट्ज। ठीक है, आइए बढ़ते 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। ऑप्शन है NaCl, NaOH, CaCl2 या CaOH2। इसका आंसर हो जाएगा CaCl2, ऑप्शन नंबर सी। 18वां नंबर क्वेश्चन, आयनी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। आयनी यौगिक गलनांक और क्वथनांक होते हैं उच्च, यानी ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर ए था माध्यम, ऑप्शन नंबर बी था न्यून, ऑप्शन नंबर सी था वही उच्च, और ऑप्शन नंबर डी था स्थिर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सहसंयोगी के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, तो वहाँ पे न्यून हो जाएगा यानी निम्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो ऊपर में बता चुका हूँ यहाँ पे सरीसृप इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ देता हूँ, उभयचर, स्तनधारी, पक्षी वर्ग और सरीसृप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग होता है, एलॉय का, धातु का, गैर धातु का या मेटलॉइड का? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या आंसर हो जाएगा बताइए, मिश्र धातु का हो जाएगा, एलॉय, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलॉय। तो इतना ध्यान रखिएगा, और जितने भी विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, चैनल का नाम विक्रम ट्यूटोरियल बीडी। अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएँ जो ग्रुप डी रेलवे का तैयारी और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाता हूँ जो आपसे नहीं होगा, लेकिन जब एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहें, इन्जॉय करें, और आपका दिन शुभ हो।